देश में त्योहार हो या फिर चुनाव का रंग, उत्सव में कोई कमी दिखाई नहीं देती। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला रीवा में। दिवाली की पूर्व संध्या पर भाजपा, कांग्रेस, बसपा समेत अन्य प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल कर मैदान में कूद पड़े। नामांकन के पांचवें दिन भाजपा प्रत्याशी प्रदीप पटेल, कांग्रेस प्रत्याशी विद्यावती पटेल समेत बसपा से गीता मांझी, पंकज पटेल, मुनिराज पटेल समेत अभिषेक ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। दैनिक समाचार पत्र साप्ताहिक एक वो दूसरा ये चूंकि अभी दल में नहीं है तो नाम कुशल पटेल देवतलाल भराइए ठीक है, लौट के आइए बाप, लौट के आइए गुड़ से है आलेट हो गया नामांकन के पांचवें दिन आज पूर्व विधायक सुंदरलाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं देवतलाब से बहुजन समाज पार्टी से बागी हुई विद्यावती पटेल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा सिमरिया और सिमौर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। जैसे जैसे नामांकन प्रक्रिया विगत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चुनावी फिजा भी बदलती जाएगी। प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। रीवा दर्शन के लिए शादाब सिद्दीकी। रीवा जिले की 8 विधानसभा में भाजपा के लिए प्रतिष्ठा बन चुकी मऊगंज विधानसभा सीट में प्रदीप पटेल ने नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में कूद पड़े। गौरतलब है कि मऊगंज विधानसभा सीट में अब तक भाजपा चुनाव जीत नहीं पाई है। इसी वजह से भाजपा ने दमदार प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप पटेल को प्रत्याशी बनाया है। प्रदीप पटेल ने रीवा दर्शन से खास चर्चा की, आइए जानते हैं क्या है उनका विजन। मेरे साथ इस समय मऊगंज से अब भी पर्चा दाखिल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पटेल जी यहाँ पर आए हैं। मैं आपको बता दूं, आप पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं, आइए वित्त विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं इस बार मऊगंज क्षेत्र में उनकी क्या प्राथमिकताएँ होंगी, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव प्रचार में जाएंगे। मऊगंज में बहुत दिनों से मांग रही है जिला बनाने का, उसको भी हम तो वहाँ पानी की थोड़ी सी एक ऊपर का हिस्सा है जहाँ पानी की दिक्कत है, वो सब चीज़ों को लेकर और स्थानीय आवश्यकताएँ हैं उन बातों को लेकर के जगह जगह जाते हैं, उसको उसी को लेकर के जाना है। और मध्य प्रदेश में जो पिछले 14 साल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, उनके नेतृत्व में जो काम हुआ वो सब विकास को बताएंगे। जैसा कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं, वहीं मऊगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विद्यापति पटेल ने भी नामांकन दाखिल किया। बसपा से कांग्रेस में आई विद्यावती पटेल के विरोध में चर्चाएं का बाजार गर्म था। बावजूद इसके विद्यापति पटेल विकास के मुद्दों के साथ मैदान में हैं। राकेश रतन सिंह जैसे कई अन्य नेता उनके समर्थन में हैं। इनसे रीवा दर्शन के एडिटर इन चीफ जावेद अंसारी ने खास बातचीत की, आइए जानते हैं क्या है इनकी बातों में दम। आलेट हो गया यहाँ पर देवतालाब से अभी पर्चा दाखिल करके कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं विद्यावती जी, आइए उनसे बात करते हैं वो चुनाव में किन मुद्दों को लेकर इस बार के चुनाव लड़ने जा रही हैं। देखिए, क्षेत्र में हमने 5 साल काम किया है, कांग्रेस के लिए तो नए हैं, क्षेत्र के लिए नए नहीं। सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, वो मुद्दा हमारा है, और दूसरा पानी है, सड़क है,
बिजली है, स्कूल है, अस्पताल है, जो भी मूलभूत समस्याएं हैं वो हमारे ध्यान में है। वो हमारी अभी अभी आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस से जो लोग टिकट मांग रहे थे, क्या आपको उनका विरोध झेलना पड़ेगा या आपके साथ वो समर्थन दे? देखिए, वो तो हमारे साथ स्तंभ के रूप में खड़े हैं। आप हरगोविंद सिंह तिवारी हैं, यहाँ पे दावेदार थे, आप दादा राकेश रतन सिंह जी हैं, आप भी दावेदार थे, और आप लोगों ने हमारा आज पर्चा दाखिल करवाया है। थोड़ा बहुत अगर होगा भी, हम सब लोग मिल करके सबको साथ लेकर के चलेंगे और बहुमत के साथ जीतेंगे। जैसा कि आप वहां से पर्चा, आप भी प्रत्याशी थे, आप भी दावेदार थे, आप पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो आप अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी की क्या स्थिति देखते हैं? बहुत अच्छी स्थिति, हम सब मिलके कांग्रेस के लिए काम करें और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विजयी करें। हमारे लिए दल महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है, यह संकल्प है हमारा कांग्रेस। आपका क्या कहना? बिल्कुल सही बात है, पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो हम सब स्वीकार करते हैं और पूरी ताकत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ हम अपने प्रत्याशी को देवती जी को जिताएंगे। और निश्चित रूप से जो ये भाजपा की सरकार है, इसमें सड़क आप देख लो, देवतलाव की सड़कें बड़ी बुरी हैं, मनिकवार तरफ की सड़कें बड़ी बुरी हैं, चलने लायक नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या है किसान की, जो कि ये आवारा मवेशी हैं, किसान फसल बोने के बाद काटने की उसकी नौबत नहीं आती है, अस्पतालें हैं वहाँ डॉक्टर नहीं हैं, तो ये मूलभूत समस्याएं हैं। हम इसको लेकर के पब्लिक के पास जाएंगे और कई पिछले 15 सालों सीधी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी पार्टी जैसा कि अभी सरकार बनाएगी। विद्यावती जी ने बताया कि इस बार मूलभूत जो हमारे यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उनको हम फोकस करेंगे, और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ लोग थे जो वहाँ पर पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि वहाँ पर से इस बार बगावत की स्थिति लगभग ऐसा लग रहा खत्म हो गई है। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद हूँ। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए तेउथर विधानसभा सीट में बसपा प्रत्याशी गीता मांझी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। गीता मांझी जनपद अध्यक्ष तेउथर है, इस नाते क्षेत्र में व्यापक जनाधार है। गीता से रीवा दर्शन ने चर्चा की। इस चर्चा में संभागीय बसपा प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव ने जीत का पूरा भरोसा दिलाया है। हमें ये नहीं मालूम, हमारे तो मित्र ही हैं। नहीं, हमारे प्रभारी जी। जी जी जी, ठीक है। थोड़ा अभी अभी यहाँ पर से चौथर विधानसभा से बहुजन समाजवादी की प्रत्याशी गीता मांझी जी ने पर्चा दाखिला किया है, पर्चा दाखिल करके वो बाहर निकली हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनके इस बार क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में जाएंगे। जी, हमारे तेउथर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमारे क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं करती रहते हैं कि हम ये कर दिए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आप चले क्षेत्र में, मैं वर्तमान में जनपद अध्यक्ष हूँ, मैं मेरे साथ आप लोग चलें, मैं दिखाती हूँ कि क्या परेशानी है। लोग ऐसे हैं जिनके घर में आज भी ऐसे घर हैं कि जिनके घर में एक बल्ब भी नहीं है, वहाँ बिजली के पोल भी नहीं हैं और तार भी नहीं हैं, लेकिन वहाँ बिल आ रहे हैं। मैं आज दिखाऊं आपको, जो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे ऐसे घोषणाएं करते हैं कि सब कुछ हर घर रोड होगा, हर घर पक्का मकान बनेगा, बहुत सारे किसानों के लिए हम ये कर देंगे, बहुत किसान खुशहाल है। लास्ट देखिए, रात भर किसान बेचारे जागते हैं तो भी अपनी किसानी नहीं बचा पा रहे जो खेती बाड़ी किए रहते हैं, क्योंकि इतना आवारा पशु हैं, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं। रही बात पानी की तो ऐसे परेशान है वहाँ पे कि ये हैंड पंप तो कहाँ इनका बजट जाता है ये समझ में नहीं आता। माननीय सांसद महोदय, विधायक जी, ये सब बजट दिए हैंड पंप में, लेकिन आज देखे कि जो बेचारे गरीब हैं, आप देखे दो किलोमीटर दूर से वो पानी ला रहे हैं। अगर एक हैंड पंप रहता वो भी कितने दूरों से, वो अगर बिगड़ गया तो आप उनके हैंड पंप नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप कहते हो कि मैं पूरे लोगों को हैंड पंप दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ,
कहते हैं कि ये बहुजन के जो गरीब लोगों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो कहते हैं उनको हैंडपंप इसलिए नहीं दी जाते कि कहते हैं कि बहुजन के क्या किसी को वोट देना गुनाह है। हम कहते हैं सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सब अपनी स्वेच्छा से देता है, लेकिन वर्तमान में जो बन जाते हैं सांसद हो चाहे विधायक वो तो सभी के लिए होते हैं ना। क्या आपका मानना है कि आपके यहाँ से कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे रमाकांत जी, वो आपके यहाँ से भी विधायक भी थे मंत्री भी थे, आपका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक ने कोई भी काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं। आप चल के देखे एक भी स्कूल की व्यवस्था देख लें, आप एक हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लें, आप वहाँ आवारा पशुओं की व्यवस्था रोड की देख लें, ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है। हमारा तेउथर विधानसभा क्षेत्र ऐसा हर एक काम में पिछड़ा हुआ है। आपके यहाँ से पिछले 23 साल से वहाँ पर 100 सीटर बेड की घोषणा हो चुकी है, वहाँ पर आज तक निर्माण कार्य नहीं हुआ, तो क्या आपकी प्राथमिकता में स्वास्थ्य सुविधाओं भी? बिल्कुल 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 वो रहेगा, क्योंकि हमारा तेउथर विधानसभा क्षेत्र इतना दूरी पे फैला हुआ है और जाते जाते अगर किसी की इमरजेंसी हालत हो गई, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो इलाहाबाद जाएगा और या रीवा आएगा, ऐसे हालात में वो तो बेचारे आधी दूर में ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत सारे ऐसे डेथ हो जाती हैं कि वहाँ पहुँच भी नहीं पाते। तो हमारे तेउथर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हुए ही नहीं, काम के बारे में अगर पूछेंगे तो काम कुछ भी नहीं हुआ है। आप संभागीय प्रभारी, आप अपनी पार्टी की पूरे संभाग में यहाँ पर विंध्य में 30 सीटें, आप अपनी पार्टी की स्थिति किस तरीके से देखते हैं? आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति से लगभग आप सभी लोग हमसे ज़्यादा अवगत हैं, और कांग्रेस के पास कोई पावर नहीं, कांग्रेस के पास संगठनात्मक शक्ति नहीं है, कांग्रेस के फील्ड में कोई ना संगठन है, वो संगठन के बेस पे कांग्रेस को काम करती है। बहुजन समाज पार्टी हमारी कैडराइज पार्टी है, बहन मायावती जी के निर्देश में चलती है, और हमारा कार्यकर्ता हमारे पार्टी के संगठन के प्रति हमेशा संवेदनशील और हमेशा तैयार रहता है, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि विंध्य में हमारी इस बार ज़बरदस्त विजय होगी और आप सबकी जो है सहयोग रही है। ये थे हमारे साथ रीवा संभाग के प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव जी और तेउथर विधानसभा से बहुजन समाजवादी के वादी की प्रत्याशी गीता मांझी जी, जिनका साफ तौर से कहना था स्वास्थ्य शिक्षा जैसे तमाम ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं, पेयजल, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनके क्षेत्र में किसी तरीके का कोई भी काम नहीं किया। हमारी पहली प्राथमिकता इन्हीं चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए होगी। रीवा दर्शन से लिए मैं जावेद अंसारी। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो रीवा जिले में बहुजन समाज पार्टी का व्यापक जनाधार है। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव में बसपा बेहतर प्रदर्शन करती आई है। पूर्व सांसद देवराज पटेल ने विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा को जोरदार टक्कर देने की बात कही। मेरे साथ पूर्व सांसद देवराज जी, आइए उनसे बात करते हैं यहाँ रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों के बारे में। यहाँ पर आपकी पार्टी की 8 विधानसभा में क्या स्थिति है? 8 विधानसभा हम फाइट में हैं, 8 सीट हम जीत रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में हैं? हमारा मुद्दा सिर्फ जो यहाँ पे भ्रष्टाचार है, जो भाजपा की सरकार में व्याप्त बुराइयाँ हैं उनको ख़त्म करना पहला हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि हम सत्ता में आएंगे। और इस बार हम रीवा से ही नहीं विधानसभा जीत रहे बल्कि सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, तो हम लोग भाजपा के कुशासन को समाप्त करने का पहला मुद्दा है। और जो बेरोजगारी है, जो माननीय मोदी जी ने लॉलीपॉप दिया था बेरोजगारों को, वो बेरोजगारी ख़त्म करना है, यहाँ से गरीबी ख़त्म करना है और समता स्वतंत्रता बंधुत्व का न्याय कायम करना है। विंध्य के आप बड़े नेता हैं, यहाँ के पूर्व सांसद भी रहे हैं, विंध्य में 30 सीटें हैं, आपकी पार्टी विंध्य में कितना बढ़िया प्रदर्शन करने वाली है? सभी सीटें हमारी 30 के 300 सीटें हम लड़ रहे हैं और 300 सीटें पर हमारा मुकाबला कहीं कांग्रेस से और कहीं भारतीय जनता पार्टी से है, मुकाबले में हम। आपको जैसे आपका ये कहना है कि आप पर्याप्त मात्रा में आप यहाँ से विधायक जीतेंगे, तो आप क्या सरकार में खुद शामिल होंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे? ये तो ऊपर का निर्णय है, बहन जी निर्णय लेंगी कि सरकार में शामिल होते हैं या सरकार बनाते हैं, ये निर्णय लेंगे। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद देवराज जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि विंध्य में इस बार वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उधर बहुजन समाज पार्टी में भी बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। वैश्य महासभा में दखल रखने वाले नेता रंजन गुप्ता ने पार्टी का विरोध जताते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया और मैदान में चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं।
डालना ही पड़ेगा। आ जाना वो लोग भी विद्यावधि पटेल। बगावत की बात हो तो कांग्रेस पार्टी भला कैसे पीछे रह सकती है। सिमरिया विधानसभा सीट के प्रबल दावेदार प्रदीप सोहगौरा ने भी बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। आखिर उन्होंने बगावत क्यों किए, आइए जानते हैं इनकी जुबानी। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप सोहगौरा जी, जिन्होंने आज सपाक्स पार्टी से फॉर्म भरा है। आइए उनसे पूछते हैं ये निर्णय उन्होंने क्यों और किस तरीके से। नहीं, आज हमने फार्म खरीदा है और ये निर्णय इसलिए लिया है कि पिछले 30 वर्षों से सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में बड़े सक्रिय रूप से मैं भागीदारी कर रहा था। वो कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार भी आश्वासन दिया था, फिर बाहर के ठेकेदार को, दूसरे क्षेत्र के आदमी को टिकट दे दिया, और इस बार भी वही गलती कांग्रेस पार्टी ने किया। तो आखिर कुछ सहने की एक सीमा होती है। और अकेले यदि सिमरिया भर की बात हम नहीं करते, जिस तरीके से टिकटों का बंदरबांट कांग्रेस ने किया है, रीवा में भाजपा वाले को दे दिया, तो मनगमा में बहुजन और देवतलाव में गुलाब उला के ले कांग्रेस की टिकट ले गए, तो ये बड़ा दुखदाई है। और एक तरीके से जहां उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, अधिकांश सीटें हम जीतेंगे, तो अब इसकी कोई उम्मीद रीवा जिले में मुझे दिखाई नहीं पड़ती। और हमारा पूरा खेत बाहर के आदमी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। सारे कार्यकर्ता और सारे क्षेत्र के लोग, हम पर भारी दबाव है कि हम सिमरिया से चुनाव लड़ें। आप स्थानीय प्रत्याशी के मुद्दे को लेकर आपने कांग्रेस छोड़ा। स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा तो है ही, समाज में SC/ST एक्ट के विरुद्ध बड़ा करंट है और इससे लोग बड़े दुखी हैं। और देवकी नंदन ठाकुर जैसे महान कथावाचक, अनेक साधु संत घरों से निकल के बाहर आए हैं, उनकी देश भर में गिरफ्तारी हो रही है, और ये भावना समाज में घर घर में पनप गई है कि ये एक्ट बुरा है। इस इश्यू को लेके हम चुनाव में उतरेंगे। अब मुझे विश्वास है कि जनता की सेवा जो हमने की है तो पूरा हमें जन समर्थन मिले। ये थे हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रदीप सोहगौरा जी, जिनका साफ तौर से कहना था एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ उन्होंने उससे तंग आकर निर्दलीय रूप से देवकी नंदन जी की पार्टी से आज पर्चा खरीदा है और वो निकट भविष्य में पर्चा भी दाखिल करके सिमरिया क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। रीवा दर्शन के चार सबसे युवा प्रत्याशी होने का सेहरा बांध चुके अभिषेक पटेल भले ही 2013 के विधानसभा चुनाव में गुड़ से हार गए हों, लेकिन अब की बार जीत की उम्मीद के साथ देवतलाव विधानसभा सीट से ताल ठोक चुके हैं। अभिषेक से खास चर्चा की न्यूज हेड शादाब सिद्दीकी ने। क्या मुद्दे रहेंगे आपके वहाँ? मेरे प्रमुख मुद्दे सर वहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, ये प्रमुखता के साथ में है। और जो 15 साल के कुशासन के खिलाफ जनता के बीच में मैं जाऊँगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार, जो हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो पलायन करके बाहर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उनके लिए रोज़गार उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा सदन में, अगर मुझे मौका मिलता है, देवतलाव की जनता मुझे मौका देती है तो। पूर्व में आप गुड़ में थे, फिर आप देवतलाव? मैंने देवतलाव को अपना कर्म भूमि के हिसाब से वहाँ पे मैंने काम किया है 4 वर्ष, और क्षेत्र की जनता ने मुझे वहाँ पे उनकी मनसा के अनुसार मैं वहाँ पे गया, और उनकी वजह से मैंने फॉर्म भरा है निर्दलीय के तौर पे। और जनता ने चाहा है, जनता चाहेगी तो उनका आशीर्वाद मिला, तो उनके लिए समुचित विकास के लिए मैं काम भी करूँगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, उनके विधायक भी है, तो क्या मानते हैं वहाँ पर विकास नहीं हुआ? विकास बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद जाइए एक बार, तो 15 साल के विकास का जो वो सिर्फ झूठे वादे, खोखले वादे करते हैं, टीवी भाषणों में करते हैं मंचों से, आप जाएंगे आज भी सड़कों का ऐसी दुर्गति है कि लोगों का चलना दूभर है वहाँ पे, सिर्फ धूल उड़ती हुई है सड़कों में, पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी की तो बात ही आप हटा दीजिए। क्लोजिंग करो, क्लोजिंग करो।
ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने देव तालाब से फॉर्म भरा। इनका मानना है कि देव तालाब में अभी तक विकास नहीं हुआ, विकास के मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे। रीवा दर्शन के लिए शादाब सिद्दीकी। विधानसभा चुनाव की कवरेज में चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया तेजी के साथ सक्रिय रहा, हर पहलुओं को करीब से देखा। आइए जानते हैं इनकी राय में कैसा है आगामी विधानसभा चुनाव। इस समय हम मौजूद हैं रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में, यहाँ पर हमारे साथ काफी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं चुनावी मौसम में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से वो यहाँ का चुनावी माहौल देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? चुनाव का नामांकन शुरू हो गया है और सभी पार्टियाँ अपना अपना पर्चा दाखिल कर रही हैं और अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, सभी को चुनौतियां हैं। अभी अगर हम रीवा विधानसभा की चर्चा करें तो यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा का कड़ा मुकाबला सुनने को मिल रहा है, देखा भी जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को शिकस्त देने की तैयारी में है। और इसी तरह आपका सिरमौर हो गया, सिरमौर में भी अभी नामांकन हुआ है, नामांकन करने के बाद सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं और चुनावी तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। रीवा ज़िले के आठ विधानसभा में पिछले बार और इस बार में क्या ऐसा लगता है कुछ इस बार अंतर महसूस होता दिखाई दे रहा, कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए जावेद जी, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कई सीटों पर उनने प्रत्याशी अपने रिपीट भी किए हैं और कई जगह बदले भी हैं, कई जगह पैरासूट लैंडिंग भी कराई गई है। तो कांग्रेस के और भाजपा दोनों ही जगह एक जो स्थिति है वो ये तो बनी हुई है कि पैरासूट लैंडिंग वाले जो प्रत्याशी आए हैं मैदान में उनको कहीं ना कहीं पार्टी अपने ही पार्टी के लोगों से भीतरघात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, भाजपा ने एक भी महिला को टिकट नहीं दी है जबकि कांग्रेस ने महिलाओं को भी तवज्जो दी है 8 विधानसभा सीटों में। अब परिवर्तन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से परिवर्तन की बयार चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 10-15% वोटों का जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से मिलना है। लेकिन जो एट्रोसिटी एक्ट का जो सवर्णों ने जो विरोध किया और उसमें जो जनप्रतिनिधियों ने अपनी चुप्पी साध रखी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का नुकसान होगा। और भाजपा के साथ जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं निचले तबके का भी जो वोट बैंक है वो अभी तक भाजपा के साथ था और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध के बाद सामान्य जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, खासकर गांव के और ग्रामीण जो लोग हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं, वो इस चीज़ को जनप्रतिनिधियों के पक्ष में बिल्कुल नहीं मानते हैं कि इस मुद्दे पर आखिर उन्होंने चुप्पी क्यों साधी। कहीं ना कहीं वो खुद भी शवर्ण है, कई नेता ऐसे हैं जो शवर्ण हैं, इन्हें लोकसभा और विधानसभा में दमदारी के साथ अपनी बात कहनी थी जो नहीं कही। जैसा कि अंचल जी का साफ तौर से कहना था कि यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, सवर्णों की नाराजगी का उसको सामना करना पड़ेगा। आप लगातार फील्ड में रहते हैं, आपका क्या सोचना? देखिए, रीवा ज़िला हमेशा चौंकाने वाले उदाहरण देता रहा है, चाहे लोकसभा में रहा हो चाहे विधानसभा में रहा हो। रीवा ज़िला ब्राह्मण बाहुल्य मतदाता है और ब्राह्मण बाहुल्य जो होने के कारण ब्राह्मण ही जो मतदाता होते हैं वो प्रभाव डालते हैं ज़्यादातर सीटों में। अब की बार ऐसा नहीं है कि जो हम भाजपा और कांग्रेस को मान लेते थे कि भाजपा और कांग्रेस का टक्कर है, सीधी बात आप देखे होंगे पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, तो निश्चित है कि तीन पार्टियां होगा, त्रिकोणीय मामला है, बहुत ही कम ऐसी सीटें हैं जहां पर कि आप सीधे भाजपा और कांग्रेस का टक्कर मान सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एट्रोसिटी एक्ट के बाद वोटों का जो विखंडन जिसको कह सकते हैं हुआ है, तो परिणाम किसी के लिए भी अच्छे नहीं माना जा सकता कि वो कह दे कि नहीं हम बिल्कुल जीत रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम बिल्कुल खुलेआम से कह सकते हैं हम जीत रहे हैं। तो निश्चित है कांटे का चुनाव है और कांटे की टक्कर है। अब ये बात अलग है कि जो ब्राह्मण मतदाताओं को और पिछड़े जो वोट हैं उनको ज़्यादातर वोट खींच लेगा, उसी की जीत होगी। रामानंद जी का ये साफ तौर से कहना है कि ये ब्राह्मणों का बाहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है, शायद इसी को दिमाग में रखते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपने चार चार ब्राह्मण प्रत्याशी दिए। अगर क्षत्रिय प्रत्याशियों की बात की जाए तो कांग्रेस ने जहां एक प्रत्याशी दिया वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दो प्रत्याशी दिया, और पटेल मतदाताओं की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक, कांग्रेस ने दो दिया। आपको क्या लगता है कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस बार के टिकट का यहाँ पर वितरण किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से वोटरों को साधने का काम तो दोनों ही पार्टियों ने किया है और दोनों ने ये प्रयास किया है कि हम सवर्ण को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे करके और अपने जो वोट हैं उनको साधें। देखिए, आज किसी प्रत्याशी से अगर हम रीवा की बात करें तो राजेंद्र शुक्ला से भले ही वोटर नाराज ना हो, लेकिन
वो शिवराज सिंह चौहान से नाराज है, क्योंकि शिवराज सिंह का जो बयान था कोई माई कलाल आरक्षण नहीं खत्म कर सकता। कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है वो किसी के लिए फील गुड जैसी नहीं है, कोई फील गुड नहीं कर महसूस कर पा रहा है और न कोई ये कह पा रहा है कि हम जीत रहे हैं। अभी अपने एक इंटरव्यू में राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा कि हमारी लड़ाई हमेशा बसपा से होती रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा जिस तरीके से बसपा बनकर उभरा है और पिछले चुनाव में जिस तरह से उसका मैं कह सकता हूँ कि वोटों का प्रतिशत जो है वो बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा और बसपा इन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। और आप इस चीज में मानने से इनकार नहीं कर सकते कि 8 में से 2 से 3 सीटों में बीएसपी कब्जा कर भी सकती है। जैसा कि अंचल जी का ये कहना था कि यहाँ पर बीएसपी इस बार कुछ अप्रत्याशित परिणाम लाएगी, आप दैनिक जागरण में लगातार जुड़े रहे और आम लोगों से भी डायरेक्ट आपका परिचय, आपका क्या सोचना? अंचल जी ठीक कह रहे हैं, परिस्थितियाँ जो निर्मित हुई हैं उसमें जैसे जाति समीकरण बनाया है पार्टियों ने उसमें बसपा कमज़ोर इस बार नहीं रहे, कई सीटें हैं जिसमें बसपा मजबूती से है और लगभग हर सीटों में, एक आध सीट हम नहीं कह सकते लेकिन हर सीटों में जो अपनी हैं 7 सीटों में बसपा मुकाबले में रहेगी। आपका आपको क्या लगता है कि जैसा कि यहाँ पर सब कोई कह रहे हैं इस बार तीसरी शक्ति यहाँ पर दिखाई देगी और सारी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, आपको राजनीतिक परिदृश्य किस तरीके का नज़र आ रहा है? देखिए अभी जैसा हमारे साथियों ने, जैसे अंचल जी ने और इन्होंने कहा कि बिंद का क्षेत्र हमेशा जो है राजनीतिक क्षेत्र में एक अलग रहा है। आपके प्रदेश में बात की जाए तो जैसे 52% बताते हैं कि ओबीसी चेहरा है, ओबीसी मतदाता रहते हैं यहाँ पे, उनके नेता कभी आगे आए नहीं उभर के। तो इस बार जो है स्थिति अलग है। अभी जैसे एस्ट्रो सिटी की चर्चा किया साथी ने हमारे, एस्ट्रो सिटी में बहुत बवाल हुआ, प्रदर्शन हुआ, उसका असर जो है अभी जब चुनाव आया तो धीमा हो गया है, उसकी चर्चा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी और जो मुद्दे हैं वो उस पर भारी पड़ रहे हैं। एस्ट्रो सिटी उतना असर नहीं डाल रही चुनाव पर, क्योंकि एस्ट्रो सिटी को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपने उन्हीं प्रत्याशियों दिया है कि जो उस क्षेत्र का बाहुल जाति समीकरण को देखकर इन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, इसलिए उसका असर नहीं दिखेगा। जैसा कि इनका ये कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट का इस बार उतना असर नहीं दिखेगा, हालांकि इस बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं, चूँकि सारी पार्टियों ने समीकरण कुछ इस तरीके से बैठाला है कि वो प्रत्याशी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं से साध लेंगे, क्या सोचना है आपको? देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार रही, भाजपा हमेशा कहती है हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के नाम पर वोट मांगने जाएंगे, कांग्रेस कहती है हम विपक्ष में थे हम कुछ नहीं कर सकते। तो एट्रोसिटी एक्ट प्रभाव तो डाल रहा है निश्चित तौर पर, एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों के पास भी समस्या है कि जो निचले तबके का लोग भी, जो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और यही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोग भी इसके विरोध में हैं जिनको कि वाकई फ़ायदा नहीं मिल रहा, बहुत तबके निचले तबके के लोग हैं वो नहीं मिल रहा। तो निश्चित तौर पर प्रभाव डालेगा और ये प्रभाव कितना डाल पाता है, कितना कौन सी पार्टी अपने इस मुद्दों को मतदाता के बीच में जाकर पहुँचा पाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण रहेगा। जो पार्टी अपनी बातें, जो विकास की बातें हैं, जैसे मान लीजिए रीवा की अगर बात करें, रीवा विधानसभा को अगर आप छोड़ दीजिए, विकास के नाम पर बड़ी बिल्डिंगें हों, सड़क हों, रोड हों, तो बाकी जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं आपको जहाँ जाएंगे तो वहाँ ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो पर्सनल अगर रीवा की विकास की बात छोड़ दिया जाए कि रीवा में कॉलेज बना हो, स्कूल बनी हो, बिल्डिंग बनी हो, लेकिन दूसरी जगह आपको ये दिखाई नहीं देगा, तो निश्चित तौर पर ये असर तो रहेगा। अंचल जी, जैसा कि अभी रामानंद जी कह रहे थे कि यहाँ पर विकास तो हुआ है लेकिन रीवा के अलावा विकास कहीं दिखता नहीं, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के शासनकाल में इस तरीके का कोई भी विकास कार्य? देखिए विकास की अगर बात करेंगे तो वो जो भी सरकारें रहीं उनने काम किया है, जब समय था 2003 में जो समय था और आज का समय देखिए आप, 15 साल का बड़ा डिफरेंस होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें आप, वो भी विकसित हुई हैं, वो भी बढ़े हैं। पहले हमें कोई तार भेजना होता था फैक्स करते थे, आजकल मेल से काम होता है, मतलब मिनटों में काम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास तकनीकें बढ़ेंगी, हमारा विज्ञान बड़े आधुनिक होगा, विकास तो बढ़ेगा ही, विकास तो सबने किया। लेकिन अगर आप चुनावी मुद्दों की बात करें तो आपको याद होगा कि विंध में, खासकर अगर हम रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें, तो वही यमुना प्रसाद शास्त्री, वही श्रीनिवास तिवारी जैसे लोगों और कुंवर अर्जुन सिंह जैसे लोगों को बसपा ने हराया था, सुखलाल कुशवाहा ने अर्जुन सिंह और सकलेचा इन लोगों को लोकसभा का चुनाव हराया था। तो ये विंध्य है और जितना अधिक से अधिक प्रत्याशी मैदान में आएंगे, ये 3 प्रमुख दल हैं आपके, भारतीय जनता पार्टी, बसपा और कांग्रेस, ये तीनों अपने प्रमुख दल हैं। इसके अलावा आप आम आदमी पार्टी देख लीजिए, गोडवाना गणतंत्र पार्टी देख लीजिए, सपा देख लीजिए, सारे उम्मीदवार हैं। और जितना वोटों का विघटन होगा, जीत उतनी ही लोगों के लिए आसान नहीं रह जाएगी।
जैसा कि ये साफ तौर से कह रहे हैं कि जितना वोटों का विघटन होगा उतना ही बड़ी पार्टियों के लिए खतरा है, आपको इसको किस नज़र से देखते हैं? दरअसल जनता के बीच जो एक मैसेज गया है एससी एसटी को लेकर, वो अप्रत्याशित निर्णय हो सकता है। देवेंद्र सिंह जी का कहना है कि अप्रत्याशित निर्णय होगा। यहाँ पर जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, विकास और तमाम तरीके की बातें गायब हो जा रही, केवल और केवल सारा कुछ आके दारोमदार जातिगत यहाँ पर बेस हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको, क्या ये सच है? ये आप ठीक कह रहे हैं कि पर्सनालिटी का चुनाव हो गया है। अब तो अभी देखिए एक्सक्लूसिटी को लेकर, एट्रोसिटी को लेकर, अभी जैसे पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और वो स्वयं की पार्टी बना लिए। उनका मुद्दा यही है कि हम जो है आरक्षण, जो निचले से निचले लोग जो वास्तव जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको आरक्षण दिलाएंगे, और एक तरफ जो है उसका एट्रोसिटी का विरोध करते हैं वो। तो इस तरह से जो ये ढेर सारी आपको दिख रही है कि अलग अलग मुद्दे और अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे यहाँ पे, जैसे सिरमौर, सेमरिया और त्योथर सीमावर्ती क्षेत्र हो गया, आपका मऊगंज हो गया और रीवा शहर, ये सब मुद्दे अलग अलग हैं। यहाँ पे अभी मुझे पिछले 10 साल से, मतलब कि मैं देख रहा हूँ जो राजनीतिक उतार चढ़ाव हो रहा है लोगों में, वो एक पर्सनालिटी को लेकर हुआ है। ज़्यादातर सीटें पर्सनालिटी को लेकर और इस तरह से वोटों का जो बंटवारा हुआ है उसे पर्सनालिटी को लेकर हो रहा है। जैसा कि आपका कहना है कि यहाँ पर इस बार लगातार कई तरीके की बातें हैं और हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे कल भी बात करेंगे। हालांकि वक्त काफ़ी अभी लंबा है, लेकिन मैं चलते चलते इनसे एक लाइन में एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको क्या लगता है, इस बार कांग्रेस और भाजपा और बसपा को रीवा से कितनी सीटें, 8 में से किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं? देखिए, इस बार बहुत चुनौती है सत्ता पक्ष को भी, एट्रोसिटी को लेकर विरोध तो ही है। मेरा सीधा सा सवाल है कि किसको कितनी, 8 में से किसको कितने अंक आप दे रहे हैं? 8 में ये अभी मैं बीजेपी तो 3 अंक में दे रहा हूँ, कांग्रेस 4 अंक पर चल रही है, 4 और 3 7 एक आप, हाँ। बहुजन, आपका क्या कहना, 8 में से किसको कितने अंक देंगे? 3 अंक इन्होंने ठीक दिया है बीजेपी को, कांग्रेस 4 और बाकी जो बचा बस। यही सवाल मेरा आपसे भी, मतों का प्रतिशत बढ़ेगा, कांग्रेस का मतों का प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन सीटें जो पिछले बार थी उससे काद बढ़ सकती हैं, यानी 3 सीट तक कांग्रेस जा सकती है, भाजपा को 4 सीटें। बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करेगी, मतों का उसका भी प्रतिशत रहेगा, निर्णायक भूमिका में रहेगी, लेकिन एक सीट बहुजन समाज पार्टी ले। आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से 4, 3 और 2। ये थे हमारे पत्रकार साथी जिन्होंने अपने अपने विचार अपने हिसाब से रखे, लगातार हम इनसे बात करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रहेगा, हम इनसे इसी बारे में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए, रीवा दर्शन लगातार खबरों के लिए, विधानसभा की खबरों के लिए देखते रहिए। करे राष्ट्र का जो उत्थान, करे उसी को हम मतदान, अपना वोट जरूर दें। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर के लिए देखते रहिए रीवा दर्शन। नमस्कार।